ब्लैक प्लेटफॉर्म हील पहनती है एकता कपूर, खुद बता चुकी है इसकी वजह। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टीवी की क्वीन के नाम से फेमस एकता कपूर 43 साल की हो गई है। 7 जून 1975 को जन्मी एकता के पिता मशहूर अभिनेता जितेंद्र हैं। एकता आज अपने टीवी सीरियलों के चलते घर घर में पहचानी जाती हैं। एकता बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड और संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं। यूं तो छोटे पर्दे पर एकता अपने टीवी सीरियल्स की एक ट्रेसेस को ग्लैमरस लुक देने के लिए डिजाइनर्स की फौज खड़ी कर देती है, लेकिन जब खुद के लुक की बात आती है तो वे अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर की सलाह ही मानती है। ब्लैक कलर की प्लेटफॉर्म हील पहनती है - एकता कपूर ज्योतिष में विश्वास रखती है। वे जो भी काम करती है अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर के कहने पर ही करती है। एकता अक्सर ब्लैक प्लेटफॉर्म हील में नजर आती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे ज्योतिषी के कहने पर प्लेटफॉर्म हील पहनती है। 17 साल की उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एकता ने करीब 70 से ज्यादा सीरियलों का निर्माण किया है। शुरुआती दौर में एकता के गलत फैसलों की वजह से कई प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, इसी वजह से उनको 2.50 करोड़ रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ा था। इतना भारी नुकसान होने के बाद उनके पास ज्यादा रुपए नहीं बचे थे। उन्होंने हिम्मत करके 1994 में सीरियल हम 5 शुरू किया। ये सीरियल ऑडियंस को इतना पसंद आया कि इससे उनके सारे नुकसान की भरपाई हो गई थी। गुस्से के लिए फेमस डैश सीरियल की दुनिया में साल 2000 एकता के लिए सबसे बेहतरीन रहा, क्योंकि इस साल उनके सारे सीरियल वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर थे। डैश एकता अपने गुस्से के लिए भी फेमस है, उन्हें गुस्सा बहुत आता है। एकता का गुस्सा कई बार सुर्खियों में भी रहा है। इसके अलावा वे अपने खराब ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती है। दशिकता चॉकलेट्स की शौकीन है। उनके घर का फ्रिज चॉकलेट्स बार और चॉकलेट्स आइसक्रीम से भरा रहता है। फिल्मों से भी एकता ने कमाया खूब नाम। एकता कपूर ने 2001 में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर भी दस्तक दी। इसके बाद 2003-04 में उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म कुछ तो है और कृष्णा कॉटेज आई। इसके अलावा एकता के बालाजी फिल्म्स के बैनर तले शूट आउट एट लोखंडवाला, लव सेक्स और धोखा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, रागिनी एमएमएस, द डर्टी पिक्चर, लुटेरा, मैं तेरा हीरो, शादी के साइड इफेक्ट्स, रागिनी एमएमएस 2 जैसी फिल्मों का निर्माण किया गया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मीरे दी वेडिंग की वे प्रोड्यूसर रही है।